पापा ये देखो, मैंने और बाबलू ने मिलके ये मास्क बनाए हैं। अरे वाह, मगर तुम लोगों ने ये मास्क बनाए क्यों? अरे पापा, हमारे स्कूल के सर भी ना पगलेट टाइप के हैं। आज स्कूल में उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड में ये टास्क दे दिया और कहा कि घर से मास्क बनाकर लाना है। हा? अच्छा ये बात है, लेकिन जो भी हो तुम लोगों ने मास्क बहुत अच्छा बनाया है, एकदम गोल गोल। लेकिन इतने कम समय में तुम लोगों ने इतने अच्छे मास्क कैसे बना लिए? वही तो पापा, टाइम बहुत कम था। हम दोनों स्कूल से आने के बाद छत पर बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि अचानक हमने छत पर चंपा मौसी के पैराशूट सूखते हुए देखे। What? हमें झट से आइडिया आया और हमने सारे पैराशूट को कांच छांट कर इतने सारे मास्क बना दिए। ये मास्क तुम लोगों ने मेरी वजह से बनाए हैं? हाँ। सारे के सारे? हाँ, ताले के ताले। जितने भी तत्पल तूक लाए थे हमने तबको कांच ताक कर मास्क बना लिया। वैसे आपके पैरा तूत काफी बले बले थे आंटी, एकदम मस्त बले बले मास्क बने हैं। अरे कमीनो, आज ही मैंने अपनी सारी ब्रा धोकर ऊपर छत पर सूखने के लिए डाला था और तुम कमबख्तों ने सब पर कैंची चला दी। भाग कहाँ रहे हो कमीनो? कभी ना कभी तो घर आओगे, नंगा करके पूरे मोहल्ले में घुमाओगे तुम दोनों को। चंपा रानी शांत शांत, गुस्सा ना करो, अब बैठ जाओ, आओ बैठो। अरे कैसे गुस्सा ना करूं जीजा जी, मेरे सारे ब्रा बर्बाद कर दिए इन कमबख्तों ने, अब मैं क्या पहनूंगी? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं कह रहा था कि पहनने की आखिर जरूरत ही क्या है? हा? ऐसे ही रहो, परिंदों को आजाद रहने दो, उछलेंगे कूदेंगे तो अच्छे लगेंगे, अब मेरा भी मन लगा रहेगा। मैं एक काम करती हूँ, दीदी से मांग लेती हूँ, कुछ दिन उनका पहनकर काम चला लूंगी। अरे तुम्हारी दीदी का नहीं आएगा तुमको। क्यों? अरे उसका चूजा है, तुम्हारा खरबूजा है। What? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दीदी का कैसे आ जाएगा तुमको? अच्छा तो फिर ठीक है, लाइए 2000 रुपए, आपको बाद में दे दूंगी। है? चंपा रानी 2000 क्या, तुम 3000 ले लो, मगर बाद में नहीं अभी दे दो। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम 2000 रुपये ले लो, मगर करोगी क्या इतने रुपयों का? देखा नहीं, आपके लाडले और उसके टकले दोस्त ने मेरे कपड़ों का क्या हाल किया? नहीं, ब्रा लूंगी उन पैसों से। अच्छा नए ब्रा लोगी? तुम एक काम करो, 10 मिनट वेट करो, अब मैं 20 मिनट में आया। अरे अब आप कहाँ चल दिए जीजा जी? अरे तुम रुको, अब मैं अभी आया। 20 मिनट्स लेटर। चंपा रानी ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे ये कहाँ से ले आए? मार्केट से। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मेरे साइज के हैं। लेकिन बिल्कुल मेरे साइज के कैसे ले आए? मैंने तो आपको अपना साइज बताया ही नहीं था। एक्सपीरियंस चंपा रानी, एक्सपीरियंस। मैं अपनी आँखों से तौल कर बता सकता हूँ कि सामने टोकरी में कितना वजन है। अरे बताइए ना कैसे। अच्छा सुनो, ऐसा है कि जब मैं ब्रा की दुकान पर गया तो दुकानदार ने मुझसे यही सवाल किया कि किस साइज का चाहिए। अब साइज मैं उसे कैसे बताता, तो मैंने अपनी हथेलियाँ ऐसे कर ली और कहा कि यही साइज है, इनमें जो फिट हो जाए वही दे दो। आप भी ना जीजा जी बड़े वो हो। अरे बड़े तो तुम्हारे हैं। मेरा मतलब कि बड़ा तो तुम्हारा ब्रा है। दुकानदार भी यही कह रहा था कि इतने बड़े साइज के अक्सर मिलते नहीं हैं। अब वो तो किस्मत अच्छी थी कि उसके पास तुम्हारे साइज के दो थे तो मिल गए। वाह, साली के लिए नए ब्रा खरीदे जा रहे हैं और मैं पिछले 4 दिनों से कह रही हूँ कि मेरी सैंडल टूट गई है, नई लाकर दे दो तो बाबू साहब कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। वो मुझे तुम्हारे पैरों का साइज नहीं पता है ना, वरना मैं तो कब का ला देता। अच्छा ब्रा का साइज तो देख के ही बता देते हो। वो तो ये रही मेरी सैंडल, अबे इस सैंडल से तुम्हारे गालों पर निशान बनाती हूँ, फिर दुकानदार उस निशान को देखकर अपने आप ही सही साइज की नई सैंडल दे दे।